नहीं मिली, ये बड़ी खतरनाक सीट है, इधर भी और इधर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद तो सब खैरियत होंगे। आज भाई हम लोग हो गए हैं रेडी। सबसे पहले कॉफ़ी पीनी है मुझे। आंखें खोलने के लिए रात को सोने की कोशिश की थी मैंने, मेरा जो सोने का जो निज़ाम है वो बड़ा भाई ख़राब हुआ है। उसकी रीज़न ये है, पता नहीं क्यों, एक तो सोशल मीडिया भी है सबसे बड़ी रीज़न, सोशल मीडिया पे टाइम देना पड़ता है। और उसके बाद स्पॉन्स किधर है, अच्छा, और उसके बाद फिर अपने मामले लोगों को रिप्लाई करना सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं रात को अक्सर जो है ना वो एक आदत हो गई है मुझे मोबाइल यूज़ करेगी, तो मोबाइल यूज़ करते करते मुझे नींद नहीं आती। तो सुबह में तकरीबन रात के कह लें, सुबह कह लें 3:30-4 बजे मैं सोया हूँ, अभी उठ गया हूँ। कॉफ़ी पीना बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी के बिना आपको पता है आपके भाई की आँखें नहीं खुलती, जो मर्जी हो जाए कॉफ़ी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी भी पी रहा हूँ, अभी मुझे जाना है ऑफिस एक अर्जेंटली, एक डॉक्यूमेंट साइन करना है मुझे। तो मैंने क्या सोचा, चलिए हम अपना व्लॉग भी रेडी कर लेते हैं और साथ में जो है कॉफ़ी पीते हैं। सामान मैंने ऑलमोस्ट अपना रेडी कर लिया, ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, तो बैग में इस दफ़ा कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है मेरी, सिर्फ अपने कपड़े ही हैं। बाहर बारिश भी हो रही है, उम्मीद करते हैं हमारे जाते जाते जो है ना बारिश रुक जाए। खैर हमने यहाँ से ऊपर लेनी, ऊपर लेक सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाना है। तो अभी फ़्लाइट मेरी जो चेक इन स्टार्ट होगा वो 10:45 पे स्टार्ट होगा, तो मैं अराउंड 10:30 तक जो है ना वो यहाँ से टैक्सी लेकर 10:30 तक निकल जाऊँगा यहाँ से। नींद पूरी नहीं, पहले अपनी आँखें खोलें, अपने आप को झंझोड़ें, तो उसके बाद फिर हम लोग को कंटिन्यू करते हैं। अभी बज गए जी 9:30 और मेरा टाइम था वो लॉयर के साथ तकरीबन 8 बजे का, लेकिन लॉयर जो है वो लेट हो गया। मैंने कहा था यार जल्दी आ जाना, साइन ले लेना मुझसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि मैंने निकला एयरपोर्ट के लिए। खैर अभी भी मेरे पास स्टिल टाइम है, तो मेरा ख्याल ऑफिस में मेरा 10-15 मिनट का टाइम होगा, मैंने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं और निकलना है। वेदर थोड़ा प्लेजेंट है आज, और नीचे मैंने वाइट शर्ट, नॉर्मल शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, क्योंकि जब हमने यहाँ से फ्लाई करना है दुबई के लिए तो हमारा जो वेदर है वो चेंज हो जाना है, इसलिए हमने जैकेट बैग में डाल लेंगे और टी शर्ट हमने नीचे पहनी हुई है। और जहाज़ में ठंड लगी तो पता है ब्लैंकेट जहाज़ में ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। सो फाइनली जी हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, ये रहा हमारा टर्मिनल 1, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। इस दफ़ा मेरा जो बैग है बड़ा लाइट वेट है, ज़्यादा सामान लेके नहीं मैं जा रहा, कपड़े ही हैं, कुछ शॉपिंग करनी है दुबई से करनी है। चेक इन मेरा स्टार्ट हो चुका है 10:45 पे, तो 10:45 हो चुके हैं, तो अभी से और जाके फटोफट से बैग अपना बुक करवाते हैं और फिर रिलैक्स होके अपनी कुछ वीडियोस एडिट करने वाली हैं वो करते हैं। और मुझे टर्मिनल 1 पे जाना चाहिए, टर्मिनल 2 के एंट्रेंस है भाई, टर्मिनल 1 और 2 मेरे ख्याल से ज्वाइंट नहीं है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं एमरट्स पे, एमरट्स का मेरा काउंटर इस तरफ लगा हुआ है, पहले तो हाँ बैग का वेट चेक करते हैं कि बैग का वेट कितना मेरे का, क्योंकि मुझे जो बस इतना कोई भाई ये इतना वेट बहुत है मेरे, जैसे 30 किलो है अभी 15 किलो जैसे मेरा वेट है, इसे अंदाज़ा लगा लेगा सामान कितना लेके जा रहा हूँ मैं। ये स्टार्ट होगी यहाँ से लिस्बन की ड्यूटी फ्री तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखाई हुई है पहले अपने ब्लॉग्स के अंदर, तो आज फिर दिखा देते हैं अगेन। हमने तो यहाँ से कोई शॉपिंग करनी नहीं है ड्यूटी फ्री से लिस्बन की, दुबई की ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि दुबई की ड्यूटी फ्री थोड़ी रीज़नेबल है। यहाँ से यहाँ पे हमें यूरो खर्च करने पड़ेंगे, वहाँ पे दिरहम्स खर्च करने पड़ेंगे, और दुबई में थोड़ा टैक्स का भी रोला छोला हुआ है ना कि टैक्स कम होता है, तो इसलिए प्रोडक्ट थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। तो ये वाला सेक्शन तो हमारा वाला नहीं है, यहाँ पर दारू शारू पड़ा हुआ है, हम तो शरीफ बच्चे ठहरे, हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। यार मुझे जो है ना बैठना कहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ अभी बहुत ज़्यादा, वहाँ बोर्डिंग के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना खड़ा किया था। खैर यहाँ की जो ड्यूटी फ्री है यहाँ पे आपको ज़्यादा अल्कोहल वगैरह ही मिलेगी, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये गोरों की कंट्री है तो गोरों वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। दुबई की ड्यूटी फ्री है वो बहुत बड़ी है, वहाँ पर आपको वैरायटी मिलती है, अगर आप गिफ्ट देना चाहें, शॉपिंग करना चाहें, या आप गोल्ड ख़रीदना चाहें,
तो सब कुछ अवेलेबल है। मेरे ख्याल से इन्होंने इंटरफेस यहाँ से चेंज किया काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे इस तरफ जो है वो काम चल रहा है, पहले ही ऐसा नहीं था। ठीक हो गया, हाँ ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया ड्यूटी फ्री को, यहाँ से ये इधर बिलिंग काउंटर कर दी है इन्होंने। मेरा जो गेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ, एन इस तरफ है सर, एन इस तरफ जाना है हमने। भाई ट्रैवलिंग करना भी एक जो है ना वो एक बहुत बड़ा, अब खैर पहले मुझे शौक होता था मैं ट्रैवलिंग करूँ, अब जब ट्रैवलिंग जब कहते ना इंसान खुश नहीं होता, तो अब मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा, मेरी करंटली ट्रैवलिंग हो रही है अभी यूरोप से, दो दो महीने बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अब थोड़ी फील हो रहा है यार कि क्या इतनी लंबी फ्लाइट 7 आवर 7 घंटे मुझे जो है ना स्टक होना पड़ेगा एक ही सेम जगह के ऊपर, तो वो मुझे बड़ा होता है। छोटी फ्लाइट हो तो कोई मसला नहीं है, तो खैर करना तो पड़ेगा अब ट्रैवल। अब जब विश की थी, ख्वाहिश की थी, अल्लाह ने पूरी कर दी, शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया तो करनी नहीं चाहिए। मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, एक तो रोज़ा रख के बोलना भी जो है ना एक महारत कह लें, जो मर्ज़ी कहना है कह लें, कमेंट कर दीजिएगा। बस अब मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, अभी भी हमारे पास 1.5 घंटा भी है, और हम आपको यहाँ से जहाज़ दिखाते हैं रनवे के ऊपर, ये भाई जहाज़ दोनों रेडी हैं फ्लाई करने के लिए। फाइनली जी जहाज़ में हम जा रहे हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी, मेरा ख्याल है अब 5-10 मिनट हो रहा है, क्योंकि 2:15 बोला था, 15 मिनट तो हो गए हैं, और ये अमृतसर से ज़्यादा डिले नहीं करते, 5-10 मिनट में ये जहाज़ रेडी हो जाएगा फ्लाई करने के लिए। भाई जल्दी जल्दी 1 मिलियन करवा दें, आपका भाई भी जो है ना फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना चाहता है, तो जब हमारे 1 मिलियन होंगे तभी हम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जो हम कमाएंगे यहाँ से उसी भी इसी पे लगाएंगे। फिर एयरपोर्ट पे रिक्वेस्ट की थी कि भाई कि हमें विंडो सीट मिल जाए, लेकिन विंडो सीट नहीं मिली, ये बड़ी ख़तरनाक सीट है इधर भी और इधर भी, और हम बैठे हैं सेंटर पे, तो ये वाली सीट होती है, विंडो सीट मिल जाए तो आपको सोने का जो है ना जुगाड़ आपको आ जाता, तो इन सीट्स के ऊपर आपका सोने का जुगाड़ नहीं होता। तो यल्ला हबीबी कम टू दुबई, जी हम दुबई एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले भाई आपके भाई ने टॉयलेट जाना है, और टॉयलेट के बाद फिर हम बैग लेंगे, अपना बैग ले कर निकलेंगे बाहर। रात के बज गए 2 और सर में दर्द भी हो रहा है, सो भी नहीं पाया था, पीछे भाई देसी बैठे हुए थे, इतनी उन्होंने सीट हिलाई है, 2 दफ़ा मना भी किया भाई कि आप ज़्यादा सीट ना हिलाए मेरी, लेकिन क्या करें फिर देसी है ना, तंग तो करना ही होगा उन्होंने। तकरीबन 20 मिनट से भाई मैं अपने बैग का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग कहते हैं कि हमारी कंट्रियों में जो है ना वो सिस्टम स्लो है, समटाइम एडवांस कंट्रीज़ के अंदर भी ऐसा सिस्टम हो जाता है कि आपको वेट करना पड़ जाता, तो अभी मैं तकरीबन 20 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ। दोस्त वो बाहर से कॉल कर रहे हैं भाई, फ़्लाइट भी जो है वो तकरीबन 1/2 घंटा लेट हो गई थी, अभी तक अभी मेरा ख्याल है दूर दूर तक बैग का कोई नामो निशान नहीं है, वो लगता है जी हमारा बैग आ गया, जितना ये मेरे ख्याल से माशाल्लाह स्लो चल रहा है बेल्ट, हमें खुद ही आगे जाना पड़ेगा। हाँ जी ये हमारा बैग ही है, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, जी हम लोग आ गए हैं दुबई में होटल में, और अभी मैं करके आया हूँ सैरी, बाहर भूख बहुत लग रही थी और टाइम भी ओवर हो रहा था, तो मैंने कहा पहले सैरी कर लें, चाय शाय पीनी है, तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। चल भाई खुल जाना, तो हमारा रूम है जी इस तरफ, लोग सो रहे हैं तो हमने शोर नहीं डालना भाई, सॉरी इधर है हमारा, तो हम अपने कार्ड निकालते हैं। तो भाई ये रहा हमारा होटल का रूम, यह एंट्रेंस है, एंटर होते ही ये साथ में टॉयलेट शॉयलेट आ गया, होटल थोड़ा VIP इस दफ़ा इंशाल्लाह, नेक्स्ट भी हमारा जो है वो भी VIP होगा, क्योंकि हमने एडवांस बुकिंग करवाई हुई है सारी होटल्स की इस दफ़ा। तो ये मेरा जी होटल का रूम है, लाइट्स थोड़ी कम है, खैर कोई एनीवे आपने देख ही ली है, तो यहाँ से हम देखते हैं, ये अब सुबह से सुबह यहाँ पर आपको नज़र आया कुछ भी,
अभी तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आएगा। तो लो जी, आज का व्लॉग भी यही ख़त्म करते हैं। मैं अब ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, नमाज़ पढ़नी है फिर फजर की, और फिर सोना है मुझे। सुबह कल हमने जाना अबू धाबी, तो अबू धाबी हमारी दावत है, तो वो तो व्लॉग आपको दिखाएंगे दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल को लोग के अंदर जी, अल्लाह हाफिज़।